एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। पहले पारी में पिछड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 487 रन पर अपनी दूसरी पारी घोषित करके इंग्लैंड के सामने बड़ा स्कोर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया को दो ऐसे बल्लेबाजों ने संभाला जो लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। स्टीव स्मिथ ने पिछले टेस्ट मैच मार्च 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जहां बॉल टेम्परी के कारण उन पर साल भर का प्रतिबंध लगा दिया था। शतकधारी मैथ्यू हेड ने भी 2 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की। वापसी करते हुए वेड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 110 रन बना डाले। वेड ने अपनी पारी में 17 चौके जड़े। वेड ने पिछला टेस्ट मैच सितंबर 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करने वाले वेड को यहां तक पहुंचने के लिए किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही संघर्ष करना पड़ रहा था। जब वह 16 साल के थे तब उन्हें कैंसर के बारे में पता चला और इसके बाद उन्हें कीमोथेरेपी के 2 राउंड लेने पड़े। लंबे इलाज के बाद वह उस बीमारी से बाहर निकल पाए। ये नहीं, वेड कलर ब्लाइंड भी हैं। उन्हें मैदान पर गेंद के रंग के कारण कुछ समस्या का सामना भी करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी टीम में अंदर बाहर होता रहा। 2012 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कदम रखने वाले वेड ने एशेज से पहले तक 22 मैच खेले, जिसमें सिर्फ 2 ही शतक लगा पाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ए और घरेलू स्तर पर शानदार प्रदर्शन का इनाम चयनकर्ताओं ने उन्हें एशेज के लिए टीम में शामिल करके दिया। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।